और हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। तो दिल्ली हम लोग चलेंगे अपनी सिस्टर के यहाँ, और वहाँ से जो है साथ में हमारे क्रिएटर हैं, उनके यहाँ भी फंक्शन है, तो उनके यहाँ भी हम लोगों को जाना है। दोस्ती भाईचारा सब कुछ, मतलब जितना तरह का रिलेशन कर सकते हम लोग के बीच में है। काफी अच्छा लगा, बहुत मिस करेंगे। सिलू बहुत याद आओगी, उपासना, मामा, मामी, सभी लोग बहुत याद आएंगे। मैं अपने मायके से जा रही हूँ, यह एक भावुक पल है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, कानपुर में हम लोगों का जो है आज है अंतिम स्टे। जी हाँ, आज हम लोग जो है विदा हो रहे हैं और हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। तो दिल्ली हम लोग चलेंगे अपने सिस्टर के यहाँ, और वहाँ से जो है साथ में हमारे एक क्रिएटर हैं, उनके यहाँ भी फंक्शन है, तो उनके यहाँ भी हम लोगों को जाना है। तो फिलहाल जो है जिया यहाँ पर सारे जितने भी दूध के बोतल है उसको कर रही है बॉयल, ताकि क्रियांश का दूध उसमें लिया जा सके। तो अभी बज रही थी सुबह के 7:05 और हम लोगों का ट्रेन जो है 9:30 बजे है, और यहाँ से जो है मुश्किल से एक घंटा ही है मुश्किल से रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग 7:30-8 बजे के करीब जो है निकलेंगे। और फिलहाल हमारा भाई जो है आज इसको जाना था बैग, क्या वो ड्यूटी नहीं जाना है? थोड़ा तबीयत खराब तो यहाँ जो है लीव लगा चुका है अपना। तो उधर दीदी लोग जो है बैठ गई है ऑटो में, और हम चल रहे हैं निशांत के साथ। ठीक है उपासना, बाय बाय, फिर आइएगा। श्योर श्योर, ठीक है मामा जी। तो सभी लोग जी पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है वंदे भारत। चलते हैं, और हम जो अपनी बहन को भी लेकर के जा रहे हैं दिल्ली। चलो इस साइड से आ जाओ। एक रियांश, एक रियांश देखेगा इसको असल में मन है कि प्लेटफॉर्म पर घूमे, घूमने का मन है पूरा। तो वंदे भारत भी आने वाली है, और भारत का बुलेट ट्रेन इसको बोला जाता है। तो बुलेट ट्रेन का आधा एक्सपीरियंस ले लो अपना, और जो असली का बुलेट ट्रेन है वह तो कुछ समय बाद चालू होगा, तो वह भी करेंगे एक्सपीरियंस। और फिलहाल हमारा जो डब्बा है जी वह है C3। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर अब दिखा दिया करता है, वरना एक समय हम लोग जो भागा भागा करते थे। मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों मैं अपने मायके से जा रही हूँ, यह एक भावुक पल है, इसलिए C3 रह के फिर हमको कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर जी आ गई है वंदे भारत, पहली बार सामने से हम देख रहे हैं। ये देखिए जी, लुक भी बड़ा अच्छा है इंजन का, एकदम लग रहा है मेट्रो टाइप का। हम लोग का 2 बार टिकट कटा हुआ वंदे भारत का नहीं गए, वैष्णो देवी का हम लोग टिकट काट के रखे थे। साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, येलो लाइन के पीछे चलो। अभी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, साइड हटो। A few moments later. तो हम लोग भी बैठ गए हैं ट्रेन में, और देख सकते हैं क्रियांश एकदम कर रहा है तबाही। पहले तो मम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन भाई साहब ने ये तबाही मचाई। हम क्या हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे जहाँ मम्मी बैठी हुई है। तो वहाँ देख सकते हैं एक भाई साहब है जो अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, वो लैपटॉप पर जाके कीबोर्ड दबा देता था, तो उनको काम करने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो हम इसको लेकर के आ गए इधर, और बदमाशी अभी जारी है। तो फिलहाल अभी बजा है 11:30, और हम लोग जो है शायद 2 बजे तक के करीब पहुँच जाएंगे। तो 2.5 घंटा का सफ़र है, 2 बजे तक, 2.5 घंटा लगभग शायद उसी तरह का होगा सफ़र। फिर उसके बाद जो है हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। काफ़ी अच्छा लगा जी, मामा जी की हम लोग थे, हमारे भाई बहन सभी से मुलाकात हुई, और जो हमारा भाई है निशांत, जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी कर रहे थे कि आखिर काला जैकेट में है कौन, तो जी वो हमारा भाई था, मामा जी का लड़का था, और इनके देवर जी। तो हम लोग थे लंगोटिया यार, हम रहे नानी घर में बचपन से, और वह भी वहीं पर था उस समय बचपन में अपने दादी के पास। तो जब हम स्कूल जाया करते थे, हमें ध्यान है, हम स्कूल से आते थे तो बुल्टी जो है मेरा बैग लेने के लिए आया करता था। बताएं ये सब चीज़। तो हम लोग बहुत ही पहले से ही हम लोगों का अच्छा खासा दोस्ती था बचपन से। भाई तो, है तो दोस्ती तो हो गई। सही बात है जी, दोस्ती भाईचारा सब कुछ, मतलब जितना तरह का रिलेशन कर सकते हम लोग के बीच में है। और फिर अच्छा लगा, बहुत मिस करेंगे। सिलू बहुत याद आओगी, उपासना, मामा, मामी, सभी लोग बहुत याद आएंगे। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आकर, फर्स्ट टाइम मिले, और
शादी में, उसके बाद अभी मिले। शादी में तो उतना सब बिजी थे तो उतना बात नहीं कर पाई थी, सबसे बात किया तो बहुत अच्छा लगा। और हमको तो बीच में एक पल के लिए मन भी नहीं कर रहा था कि वहाँ से निकले, मन कर रहा था टिकट कैंसिल कर ले। देखिए कहीं आप किसी के पास जाते हो जहाँ पे मन लग जाता है तो मन करता है एक दिन और होना चाहिए। ये तो अपने थे, बिल्कुल मन तो करता ही एक दिन और हो जाए, लेकिन फिर नेक्स्ट डे होगा कि एक दिन और तो लगा कि यह सिलसिला जो है नहीं थमेगा। और हम लोगों का जो है रिटर्न टिकट भी है दिल्ली से, और कुछ फंक्शन सब में भी अटेंड करना है, अमित भाई के बेटे के जन्मदिन में जाना है, तो इसलिए जी हम लोगों को जो है वहाँ से निकलना पड़ा और स्टेशन तक आए थे भाई और बहन छोड़ने के लिए। और क्रियांश का तो अपना बदमाशी जारी है ही, अभी फ़ोन भी आया था मामा जी का और बुल्टी का भी, तो मामा जी कह रहे थे घर भी बहुत सूना लग रहा है क्योंकि क्रियांश तो वहाँ पर था, सभी को बिजी रख रहा था। दो आदमी कम से कम क्रियांश के पीछे लगे रहते थे, या तो थोड़ा चंचल है ऐसा चल रहा था कहे तो मामा जी बहुत सुना लग रहा है सर। हम कहे हाँ मामा जी समझ सकते हैं हम ये चीज। तो हम पहुंच गए हैं जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बैठिए बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ तुम, ये सॉल कर लो अंदर। जी अंदर आ जाना, उठाओ उसको, सो गया अंदर, सो गया, आ जा आ जा। तो चलते हैं हम लोग जी, बैठ गए गाड़ी में। और माँ जो है कितने साल बाद आ रही है दिल्ली? हमको लगता है मोनू उस समय 10 महीने का था। 10 महीने का था तो लगा बेटा मेरा, हाँ तो 25 साल से ऊपर हो गया आराम से। हाँ 25 साल। हाँ तो माँ जो है लगभग 25 साल बाद दिल्ली आई है। बहुत कुछ बदल गया आजकल, तो 2-2 साल में बदल जा रहा है, तुम्हारा तो 25 साल है। हाँ बदलेगा कैसे नहीं, जवानी से मैं अपने बुढ़ापे में आ रही हूँ। अभी कहाँ बूढ़े हुए, बूढ़े नहीं हुए तो जवान भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ जो है ना, माँ का भी उम्र कुछ नहीं हुआ है, बस रिटायर हो गई एकदम परफेक्ट टाइम में, 60 इयर्स में, क्योंकि उस टाइम पहले पढ़ा घटा के नहीं देता था, इस वजह से। बहन के यहाँ जा रही हूँ, बहन का घर तो नहीं है, बहन का घर तो लखनऊ में है। बिल्कुल अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, अपार खुशी है। थोड़ा सा मायूसी जरूर लगता है कि मायके छोड़ कर आई हूँ। बिल्कुल भाई, घर जहाँ आदमी का भाई रहता है वही उसका मायके है, और जहाँ भाई माँ बाप जिसको नहीं है तो उसका भाई सब कुछ है। और हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको दुनिया में रखे बिना भाई से भतीजा तक को, ताकि हर पल हमको याद करे और हम इसी खुशी से वहाँ जाते रहे। मुझे ही नहीं, तीनों बहन का हक है, और ये सम्मान नलिन तीनों को देते रहे, तीनों उसको आशीर्वाद दे, और मेरा मायका फलता फलता रहे। बिल्कुल जी। तो अब हम लोग जो है यहाँ से लगभग 40-45 मिनट में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर, और वहाँ पर मुलाकात होगी हमारी एक और मौसी जी से, जिसको आप जो है ब्लॉग में कई बार देख चुके हैं, और हमारी बहन से भी मुलाकात होगी नैन्सी दीदी से। गन्नू से मिलने के लिए, और हमको लगता है क्रियांश और गतिक मिल करके जो वहाँ क्या हल करेंगे, बस यही इमेजिन करके जो है थोड़ा सा लग रहा है। पिछली बार कहते थे गन्नू तो वही मचा रहा था, इस बार तो ये मचाएगा। दोनों है, दोनों एक पर एक है।